हेलो फ्रेंड्स, हाउ वाज योर डे टुडे? और आपका दिन फैंटास्टिक से और कुछ भी होना नहीं चाहिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे कमेंट करके डालना। अब बहुत सारे लोग जो नए रहेंगे वो पूछेंगे, ऐसे कैसे आप बोल रहे हो, क्योंकि आपने तो कल एनालिसिस किया था कि मार्केट 17,500 आएगा, अगर उससे ऊपर गया तो 700 आएगा। आपका तो एनालिसिस गलत गया, फिर आप क्यों बोल रहे हो कि टेक्निकल फंटास्टिक होना चाहिए? रीजन इज, अगेन मैं कहूंगा, टेलीग्राम चैनल। क्योंकि आप देखना, टेलीग्राम चैनल में जब भी मार्केट ऊपर की तरफ गया, तब एग्जैक्टली हमारा डे हाई का टारगेट वन अचीव हो गया। हमने ये बताया भी था, किसी किसी को हमने पोल्स लेके जाना कि एक अच्छे खासे लोगों को लॉस भी हुआ है, क्योंकि देवर एक्सपेक्टिंग टारगेट टू एंड टारगेट थ्री, जो कि 17,500 एंड 550 था। सो वी अंडरस्टूड पेन पॉइंट ऑफ पीपल कि यस, बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ है। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद में हमने रिवर्स का जो एनालिसिस किया, इतना फंटास्टिक चला कि लोगों ने 80,000 से 1 लाख लाख तक के प्रॉफिट कमाए, क्योंकि पूरा रैली कैच किया लोगों ने। उसके बाद फिर क्या हुआ? तो उसके बाद मैंने जस्ट एक हिंट दिया था कि 17,312 के ऊपर मार्केट भागेगा आपकी तरफ, तो सी लेना आप सोच सकते हो। एंड दैट ऑल्सो वर्क फंटास्टिक। जस्ट ये एक टेलीग्राम के हिंट या एनालिसिस के बेसिस पे लोगों ने अच्छा खासा कॉल भी कमाया। ओके सो हम यहाँ पे वो देखेंगे। तो टेक्निकली तीनों ट्रेड सही कहे, भले पहले ट्रेड में टारगेट वन अचीव हुआ, बट अचीव तो हुआ डे हाई का। तो दैट्स वाई दिस इज द लॉजिक ऑफ मी सेइंग कि आज का आपका दिन शुभ गया रहेगा। और हमेशा मैं कहता हूं, एंड ऑफ द डे एनालिसिस एक कंसेप्ट है, बट अगर आप टेलीग्राम को नहीं फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इंट्राडे में एक अच्छा खासा कंसेप्ट मिस कर रहे हो। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको अभी भी स्टॉक मार्केट अच्छा खासा नहीं समझ में आ रहा है, गड़बड़ हो रही है, मैं कहूंगा डिस्क्रिप्शन में MMTC कोर्स का ऐप भी है, उसे ज्वाइन कर लेना और बहुत सारे फ्री स्टॉक मार्केट कोर्सेज देख लेना। और आज का एनालिसिस और भी फंटास्टिक होने वाला है। तो फ्राइडे के लिए हमें क्या करना है, तो आइए झट से देखते हैं। मेरा नाम तुषार गोने, हर शाम मैं आता हूं अपना एनालिसिस लेके निफ्टी, बैंक निफ्टी का, और रिजल्ट्स और परफॉर्मेंस आप खुद देख सकते हो कमेंट्स पढ़ के। सो विद दिस लेट अस क्विकली स्टार्ट। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ज्यादा यहाँ पे टाइम पास नहीं करेंगे, एक्चुअली टाइम पास नहीं है ये, मैं डिटेल में एनालिसिस बताता हूँ। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि फिलहाल मुझे इतना ज्यादा डिटेल में एनालिसिस बताने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे मेजर चीज आपको बता देता हूँ कि क्या हो सकता है, एंड वी विल लुक इन टू इट अकॉर्डिंगली। अब ये देखोगे तो ये रहा सुबह का हमारा एनालिसिस। ओके यहाँ पे ये भले आपको आवरली चार्ट और पूरा रेड कैंडल दिख रहा है, बट यहाँ पे डबल टॉप हुआ था। ओके और उसके बाद क्या हो गया, एक सेल आउट आ गया। ओके अब सबसे अच्छी बात क्या है, जो पिछले एनालिसिस में आपने देखी रहेगी, जो मैंने लास्ट टाइम ये वाला एनालिसिस देखा था, तो यहां पे अगर आप देखोगे एक ग्रीन कैंडल आ गई और उसके बाद में सीरीज ऑफ रेड कैंडल। बट यहां पे अगर आप इंपॉर्टेंट चीज देखने जैसी क्या है कि ये एक ग्रीन कैंडल के बाद अगर कंटिन्यूएशन में रेड कैंडल्स आ रही है तो गड़बड़ है। यहां पे हमें क्या दिख रहा है, ओके ग्रीन कैंडल और कंटिन्यूएशन ऑफ रेड कैंडल्स होगा नहीं होगा हमें नहीं मालूम, बट हमें इतना हिंट मिल गया है कि अगर कल यहां से आवरली में रेड 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 बनते गई तो पहला टारगेट क्या होगा, 17,200। ओके सो ये बेसिस पे थोड़ा सा मैं अपना डिटेल में एनालिसिस करूंगा। यहां पे सिर्फ मैंने मेरा बेसिस ऑफ एनालिसिस एक्सप्लेन किया है, तो अब आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन पे। अब यहां पे आप देखोगे तो क्या हुआ है, फिलहाल मॉर्निंग में गैप अप, बाद में सेल आउट, बाद में पुल बैक, और ये पुल बैक का सक्सेसफुल फॉलो ऑन। बट यहीं पे मार्केट नहीं रुकना चाहिए। अब बहुत जरूरी है कि मार्केट ये पिछला वाला जो हाई है इसके
ऊपर ओपन होना चाहिए या इसके ऊपर एटलीस्ट मैं कहूंगा 15 मिनट्स में क्लोज होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान देके सुनना। अगर मार्केट कल टुमारो इफ मार्केट सस्टेन्स यानी कि इसके ऊपर अगर क्लोज हो रहा है 17,000, मैं एग्जैक्ट नंबर ले लेता हूं 17,417 के ऊपर अगर 15 मिनट्स में ऐसे आधे अधूरे फुल बैक्स नहीं, अगर समझो यहां पे ही आपको पता चलेगा अगर ऐसे कुछ ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं ना ही कि ऐसे, तो देर इज अ वेरी वेरी हाई चांस कि अब के बार 17,500 क्रॉस हो जाएगा। अब के बार 17,500 क्रॉस हो जाएगा और अब हम कौन से लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो वो भी देखेंगे। पहला टारगेट होगा, स्ट्रेट अवे मैं बड़ा टारगेट नहीं दूंगा, इवेंचुअली ऑफकोर्स 17,700 तक जाना है, बट यहां पे मैं कपल ऑफ स्मॉल टारगेट्स भी दूंगा। तो 17,650 का हमारा पहला टारगेट होगा। 17,650 भले ये लंबा टारगेट लग रहा है बट अगेन दैट इज द स्ट्रेंथ विच मार्केट हैज शोन। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही मार्केट, मैं वापस यहां पे बताता हूं, जैसे ही मार्केट 17,500 के ऊपर चला जाएगा तो देर इज अ वेरी वेरी हाई चांसेस कि 17,650 का बहुत बड़ा टारगेट है। बट एनीवेज अगर कुछ कल के दिन में लगा तो वी विल बी डूइंग फाइन ट्यूनिंग, बट यही रियलिटी है कि 17,650 का पहला टारगेट और 17,760 का सेकेंड टारगेट। ये हो गया T2, ये हो गया T1 और ये कब एप्लीकेबल है, ये तभी एप्लीकेबल है जब अब के बार मार्केट कॉन्फिडेंटली एटलीस्ट 17 पिछले बार से ऊपर जाता है, जो कि मैं कहूंगा एटलीस्ट 17,520 से लेके 17,530 के लेवल्स पे 15 मिनट्स की प्रॉपर कैंडल अगर क्लोज हो रही है तो आप ये बड़ा टारगेट के बारे में सोच सकते हो। आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए तो बट ऑब्वियस यहाँ पे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, मैं आपको स्टॉप लॉस कट टू कट बता देता हूँ। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 17,475। तो ये हो गया स्टॉप लॉस समवेयर, यहां पे कल हमारी एंट्री होगी और पहला टारगेट इवन दो बड़ा है पर डेफिनेटली ये होगा, सेकेंड टारगेट इवन दो बड़ा है डेफिनेटली ये होगा। अब आप देखोगे तो ये दोनों जो ट्रेड्स बताए गए हैं ये थोड़े से बड़े लेवल पे है, 15 मिनट्स के कैंडल पे है, स्कैल्पिंग वाले नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, आपको बड़ा लॉट लेके ट्रेड नहीं करना है, छोटा लॉट लेके बड़े टारगेट्स के लिए इंतजार करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको छोटे स्कैल्पिंग के ट्रेड्स चाहिए यानी कि आपके लॉट साइज बड़े हैं बट टारगेट 20-30 पॉइंट का है तो वो भी आप कर सकते हो, मैं उसके लिए भी आपको अलग से टारगेट दे देता हूं क्योंकि आई नो सम पीपल लाइक स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग के ट्रेड्स चाहिए तो वो भी देख लो, 17,480 का टारगेट वन, बस यही है स्कैल्पिंग में, इससे ज्यादा नहीं। सॉरी, ये हो गया टारगेट टू, 17,440 का टारगेट वन। हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ध्यान से देखना, हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 17,353 का। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया और हमारी एंट्री कहाँ पे रहेगी, तो 17,400 की एंट्री एटलीस्ट इन 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग, दैट विल बी बेटर, एटलीस्ट 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग। बाद में जहां पे ये टारगेट्स आ जाएंगे तब आप 5 मिनट्स का एनालिसिस कर सकते हो, बट एटलीस्ट एंट्री के लिए थोड़ा सा अगर आप वेट करोगे 17,400 अ कंप्लीट ग्रीन कैंडल 15 मिनट्स में, तो ऐसे जो
धोखे मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। एनीवेज टेलीग्राम चैनल पे मैं गाइड करूंगा ही, बट स्टिल मैं कहूंगा ये स्काल्पर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 17,400 उसके बाद में 17,450 का पहला टारगेट, 17,480 का सेकंड टारगेट, और स्टॉप लॉस भी देखो कितना बढ़िया है, 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये ट्रेल होते जाएगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, यानी कि नीचे भी आया तो छोटा लॉस होगा। सो दीज आर द लेवल्स ऑन द अपसाइड फॉर टुमारो। बट कभी कभी ऐसे भी हो सकता है जैसे हमने वहां पे देखा कि अब ये हाईएस्ट लेवल हो गया, क्योंकि समझ लो एक तरीके से मार्केट ने डबल बॉटम कर दिया, डबल टॉप, एक तरीके से मार्केट ने डबल टॉप कर दिया, और कल ये मार्केट ये लेवल के ऊपर गया ही नहीं, मार्केट क्या किया तो मार्केट ने समझो 15 मिनट्स में कुछ इस तरीके से कैंडल क्लोज हुई, ओके, समवेयर अबाउट मैं कहूंगा, चलो आपको कंफर्मेशन के लिए 17,323 के आसपास। आपको क्या करना है, ये जो 20 सिंपल मूविंग एवरेज भी है, आपको पहला टारगेट क्या लेना है आपका, ओके, पहला टारगेट होगा 17,275, और दूसरा टारगेट क्या होगा 17,240, ओके, ये हो गया T2, ये हो गया T1, ये हो गया एंट्री पॉइंट, और आपका तभी स्टॉप लॉस क्या होगा, तो 17 मैं यहाँ पे कम का आपको स्टॉप लॉस बताऊंगा, 17,350 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होगा, ओके, मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूँ, somewhere about 17,350 का स्टॉप लॉस, 17,323 की एंट्री, 17,275 का टारगेट 1, 17,240 का टारगेट 2। ये कौन से बेसिस पे है, तो ये बेसिस है वेरी वेरी सिंपल कि मार्केट ने डबल टॉप कर दिया, कल इसके ऊपर जा ही नहीं रहा है, ओके, और ये ऑलमोस्ट मैं कहूंगा ये एक पहला टारगेट हो गया, और अगर यहाँ से रिवर्सल के अच्छे खासे चांसेस है, बट वो नहीं हो रहा है, तो फाइनली वापस जिधर से ये सब चालू हुआ था डाउनवर्ड्स, ये वापस चालू हो जाएगा। तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि आपने वहां पे देखा रहेगा कि कल अगर, और कल मेन क्या है कि आरबीआई की पॉलिसी है, 3 days की पॉलिसी खत्म होने वाली है, तो रेट कितना बढ़ता है उसके ऊपर पे डिपेंड होता है। बट आपको थोड़े थोड़े की पॉइंटर्स मैं दूंगा, ओके, मेन की पॉइंटर्स फॉर एनालिसिस ऑफ निफ्टी, ये बिल्कुल मिस नहीं करना। अगर आप बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं 150 या 200 पॉइंट का, तो मैं कहूंगा 17,530 के बाद ही बड़ा मूव करना, ये मेरा की पॉइंटर 1 हो गया। अगर आप स्काल्पिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं कहूंगा एटलीस्ट 17,410 जो मैंने पहला एक्सप्लेनेशन दिया है उसके बारे में ही 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल क्लोज होने के बाद करना। पहला टारगेट होगा 17,440 और सेकंड टारगेट होगा 17,480 और 17,360 के आसपास स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये हो गया शॉर्ट टर्म स्काल्पिंग, लॉन्ग के ट्रेड्स, ओके, लेवल्स बता दे रहा हूँ, सी खरीदना है ये भी ध्यान रखना, कुछ नहीं समझ में आ रहा है एट द मनी का सी खरीद लेना, ये लॉजिक है, ओके, और अगर ऐसा हुआ कि कल मार्केट ऊपर जा ही नहीं रहा है और रेड के कैंडल बन रहे हैं, ओके, विच इज पॉसिबल, क्योंकि कल आरबीआई पॉलिसी है, मार्केट डायरेक्शनल, मार्केट सुबह को डायरेक्शनल नहीं रहेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम पॉलिसी के बाद मार्केट डिसाइड करेगा, तो बेसिकली कल के दिन जब तक डिसाइड नहीं होता है मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। इसके लिए ये बड़े बड़े टारगेट्स मैं भले आपको 17,530 ये सब बता रहा हूँ, बट कल के दिन ये अचीव होगा ये कुछ भी गारंटी नहीं है। कल के दिन कौन से टारगेट्स अच्छे होंगे, ये स्काल्पिंग वाले, ओके, जो रेंज बाउंड मार्केट में होगा ये सब हो जाएंगे। तो हमें शॉर्ट का कब देखना है, तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप देखोगे तो आपको क्या करना है, ये लेवल के बाद, ओके, जो भी 17,340 के लेवल के बाद
आपका पहला टारगेट होगा 17-80 और सेकेंड टारगेट होगा 17-40 और यहाँ पे जो भी रेड कैंडल बनेगी मे बी 17-360 की, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो और ये पुट के बारे में मैं बता रहा हूँ, डाउन के बारे में बता रहा हूँ। क्यों मैं दोनों एनालिसिस बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत सारे नहीं बहुत कम, वो कहते हैं कि सर आप दोनों बताते हैं, आप ऊपर भी गया तो भी मजा आपका, नीचे भी गया तो भी मजा आपका। ऐसा नहीं है, ये कंसोलिडेशन फेज है। ओके, तो यहाँ पे हम आइदर यहां से यहां कैच करने को देख रहे हैं या यहां से यहां कैच करने को देख रहे हैं, तो दोनों लेवल्स देने पड़ेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहां पे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो बैंक निफ्टी के बारे में भी क्विकली बता देता हूं, निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट आज चेक करना इतना खास नहीं रहेगा। बैंक निफ्टी में भी सेम कंसेप्ट अगर आप देखोगे तो किस तरीके से चलेगा, तो अगर समझो 37,800 के ऊपर मार्केट हुआ तो 38K भी आएगा और 38,200 भी आएगा और बहुत छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस होगा, ओके, जो मैं कहूंगा 37,670 का। ओके, तो ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री, ये टारगेट वन, अगर खुश हो तो यहाँ पे ही प्रॉफिट बुक करना, क्योंकि पुलबैक आएगा ही आएगा। तो थोड़ा सा अगर चार लॉट है तो एक लॉट ही टारगेट टू के लिए ये करना, और नीचे के साइड पे अगर समझो कल पहले 15 मिनट में ही ऐसी कैंडल बनी तो आपका पहला टारगेट होगा 37,550 और दूसरा टारगेट होगा 37,450। आपका जो भी ये रहेगा हाई, इसका डे हाई, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। सो होप आपको बैंक निफ्टी का भी समझ में आया गया रहेगा। वापस मैं क्यों ये कर रहा हूँ दोनों साइड के, क्योंकि मार्केट इज इन अ कंसोलिडेशन जोन, अभी तक कोई एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट नहीं हुआ है जो इंट्राडे में पता चलेगा। इसके लिए वापस कह रहा हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना डिटेल में। आज जैसे हमने अच्छा खासा पैसा कमाया, वैसे कल भी कमाएंगे। इट वॉज रियली फंटास्टिक हैविंग यू ऑल, सी यू टुमारो एंड हैव अ वेरी नाइस डे।